समरसता यात्रा का इंद्रगढ़ में हुआ स्वागत। पूर्व भाजपा विधायक प्रदीप अग्रवाल ने सिर पर उड़ाई संत रविदास जी की खड़ाऊ। संत शिरोमणि रविदास समरसता यात्रा के इंद्रगढ़ नगर में प्रवेश करने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल पुष्प की बौछार कर स्वागत किया। इस अवसर पर यात्रा प्रभारी घनश्याम पिरोनिया, पूर्व विधायक प्रदीप अग्रवाल, जिला भाजपा अध्यक्ष एवं पूर्व नगर परिषद इंद्रगढ़ के उपाध्यक्ष राजेश दांत्रे, भाजपा जिला उपाध्यक्ष सुनील तिवारी, रामबाबू शर्मा, नगर परिषद में सांसद प्रतिनिधि रामस्वरूप मंडेलिया द्वारा संत शिरोमणि रविदास मंदिर निर्माण समरसता यात्रा का स्वागत किया गया। पूर्व विधायक प्रदीप अग्रवाल ने संत रविदास की चरण पादुका का पूजन कर उन्हें अपने सिर पर उठाकर नगर में प्रवेश किया और समरसता यात्रा का शुभारंभ किया। यात्रा में मध्य प्रदेश बांस एवं बांस शिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष तथा समरसता यात्रा के संयोजक घनश्याम पिरोनिया, भाजपा जिलाध्यक्ष, नगर परिषद अध्यक्ष गौरी मंडेलिया सहित अन्य जनप्रतिनिधियों एवं आमजन ने समरसता यात्रा का हर्षोल्लास के साथ आत्मीय स्वागत किया। पूर्व विधायक प्रदीप अग्रवाल ने कहा कि संत शिरोमणि रविदास की समरसता यात्रा दतिया जिले के सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र में रात्रि विश्राम कर इंद्रगढ़ नगर परिषद में पहुंची। यात्रा ब्रह्मा जी के चार मानस पुत्रों सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार की पावन तपभूमि से मिट्टी और सभी तीर्थों के भांजे सनकुआ धाम से सिंध नदी का पवित्र जल और सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र की सभी पंचायतों से मिट्टी और पवित्र नदियों का जल लाकर इस यात्रा में समाहित किया गया। ये बड़े ही गौरव की बात है। अब ये मिट्टी और जल 12 अगस्त को सागर जिले में मुख्य यात्रा में पहुंचेगा। सागर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रदेश सरकार द्वारा 100 करोड़ की लागत से बनाए जाने वाले संत रविदास महाराज के भव्य मंदिर का शिलान्यास व भूमि पूजन करेंगे। उस भूमि पूजन में जब नींव भरी जाएगी तो उसमें हमारे जिले की मिट्टी व जल का भी योगदान रहेगा। नगर परिषद इंद्रगढ़ के पूर्व उपाध्यक्ष राजेश दांत्रे ने कहा कि संत शिरोमणि रविदास जी शांति, प्रेम, सत्य और पुनर्जागरण के अग्रदूत थे। उनका जीवन त्याग, तपस्या और मानव सेवा का महान उदाहरण है। नगर परिषद इंद्रगढ़ में सांसद प्रतिनिधि रामस्वरूप मंडेलिया ने कहा कि समरसता यात्रा लोगों में भाव पैदा करेगी, उनको जोड़ने का कार्य करेगी और अपनी सहभागिता मंदिर निर्माण में अवश्य देगी, क्योंकि इस मंदिर निर्माण में सभी ग्राम पंचायतों की मिट्टी और पवित्र नदियों का जल लाकर समाहित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संत रविदास जी महान संत थे, जिनके शिष्या मीराबाई थी। मीराबाई ने कृष्ण को अपने समक्ष में बुला लिया तो मीराबाई के गुरु संत रविदास कितने महान थी। उन्होंने उद्घाटन किया, उसका नाम दिया है मंडपम। अब आप जब जाएंगे तो वहां का पूरा माहौल आपको बदला हुआ दिखेगा। वहां पूरे देश में अभी तक एक हाथ कोई ऐसा बड़ा सेंटर होगा, विश्व में नंबर एक सेंटर बनाया है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और हमारी केंद्र की सरकार ने, जिसमें 7,000 लोग सिटिंग बैठ सकते हैं और उसका उन्होंने भूमि पूजन किया। जब वहां उन्होंने अपनी बात रखी तो उन्होंने बड़े ईमानदारी से बहुत सारे विषयों को रखा और सबसे बड़ी बात हम सब लोगों के लिए ये कहा, अभी जैसे आप सब जान रहे हैं लोकसभा सत्र आप सुनते होंगे लोकसभा टीवी पर, तो विपक्ष चलने नहीं दे रहा, शोर शराबा करता है।